गाइस यू नो जब हम एक परफेक्ट हेयर स्टाइल रखते हैं ना जो हमारे फेस के ऊपर शूट करता है, और जब हमें लोगों के कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जब हमें लड़कियों के कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं स्पेशली कि यार ये जो हेयर स्टाइल है वो तेरे ऊपर बहुत ज्यादा जच रहा है, तू उसमें काफी मतलब जच रहा है, और ये जो हेयर स्टाइल है काफी सूट कर रहा है, तू बहुत ऑसम दिख रहा है, काफी सेक्सी लग रहा है, मैनली लग रहा है, मस्कुलिन लग रहा है, बहुत सारी चीजें, अगर हमें ये कम्प्लीमेंट मिलते हैं तो यार हम काफी खुश हो जाते हैं और हमें लगता है बस भाई अब जिंदगी में चाहिए ही क्या। तो बेसिकली आज की हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 हेयर स्टाइल जो लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और अगर आप इनको अपने ऊपर ट्राई करते हो तो यार आई एम डैम श्योर कि आपको भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं लड़कियों से और प्लस बहुत सारे लोगों से, और आप इस वीडियो में काफी खुश हो जाने वाले हो। तो बेसिकली यही बात करने वाले हैं कौन से वो 5 परफेक्ट बेस्ट हेयर स्टाइल है। तो बाय द वे इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू अबाउट मैन फैशन ग्रूमिंग। अगर आप चैनल पर नए हो, मुझको पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर अभी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम बिना किसी तरीके को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, लॉन्ग हेयर। अगर लॉन्ग हेयर से जो लड़कियां ना वो तुरंत काफी अट्रैक्ट हो जाती है, और ये जो लॉन्ग हेयर है ना वो दिखने में भी काफी सेक्सी लगते हैं, और ट्रस्ट मी और नॉट बट यार मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात करी है, मेरी बंदी ना देख रही हो बस ये वीडियो बेसिकली मैंने बहुत सारी बंदियों से नहीं यार बेसिकली मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात करी है, और जिस वहाँ पर वो बोलती है कि मतलब जो लड़के होते हैं ना जो लंबे बाल रखते हैं और मतलब बाल पीछे से लटक रहे होते हैं, मतलब वो बाइक पे ऐसे चल रहे होते हैं, भाई मतलब माशाल्लाह क्या लगते हैं वो। तो बेसिकली जो लड़कियों को ना लंबे बाल वाले जो लड़के ना वो काफ़ी पसंद आते हैं, मतलब लंबे बाल सिर्फ सर के होने चाहिए और कहीं के पसंद नहीं आते। तो बेसिकली आपके जो बाल हैं अगर वो लंबे रखते हो तो ये लड़कियों को तुरंत काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और आप दिखने में काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लगते हो, मतलब यू नो जब बाल आपके बड़े आते हैं और वो पीछे से ऐसे लटक रहे होते हैं तो उसकी अलग ही वाइब आती है और बहुत ज़्यादा सेक्सी वो लगते हैं। तो मतलब सबके पास की बात नहीं होती लंबे बाल रखना, क्योंकि यार उसको मेंटेन भी करना होता है, उसमें खर्चा पानी भी ज़्यादा हो जाता है, तेल पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और मतलब हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको स्टाइल करना। तो मतलब जो लोग अपने हेयर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं अपने बालों की, तो वही लोग अपने लंबे बाल रख सकते हैं और वही लोग लड़कियों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लंबे बाल रखते हो तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ दिन बाद आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आई लव यू, मतलब मैं नहीं कह रहा लड़की बोलेगी ऐसा। नंबर सेकंड, बस कट। अब जो बस कट होता है ना ये दिखने में काफ़ी हार्ड होता है, और प्लस ये स्टाइल करने में भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और प्लस बस कट में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये जो हेयर स्टाइल है वो सबके ऊपर अच्छा नहीं लगता, और जिनके ऊपर अच्छा नहीं लगता तो यार वो काफ़ी चंपू से लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है क्या भाई ये। तो बेसिकली मतलब बहुत लक्की बंदे होते हैं जिनके ऊपर जो बस कट है ना वो अच्छा लगता है, और जिनके ऊपर ये अच्छा लग गया दैट मीन्स कि यार उनके ऊपर ना कोई भी हेयर स्टाइल अच्छा लगने वाला है, और प्लस लड़कियाँ उनको बहुत ज़्यादा लाइक करने वाली है, क्योंकि यार अगर जिनके ऊपर बस कट अच्छा लगता है ना तो वो काफ़ी हॉट दिखाई देते हैं, काफ़ी सेक्सी दिखाई देते हैं, और मतलब बस कट से ये होता है ना कि यार आप छोटे बाल में भी इतने हैंडसम लग रहे हो तो यार आपको मतलब बड़े बाल में तो लगोगी। और यहाँ पर ना बस कट से ये भी चीज़ प्रूव होती है कि यार आपको ना हैंडसम दिखने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए बड़े बालों की जरूरत नहीं, आप छोटे बालों में भी स्टाइलिश दिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर बस कट भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और अगर आप बस कट में एक बार अच्छे दिख गए तो यार बस आप लड़कियों को फिदा कर देने वाले हो, और मतलब आप ही आप छाने वाले हो लड़कियों के दिलों में, और लड़कियाँ मतलब पिघल जाएंगी भाई आपके सामने। नंबर थर्ड, स्लिक बैक। अब यहाँ पर अगर आप मस्कुलिन हेयर स्टाइल चाहते हो ना तो यार स्लिक बैक से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है आपके पास, स्लिक बैक और दूसरा आप मैन बन ट्राई कर सकते हो, इस टाइम पे जो मैंने बना रखा है ये दोनों हेयर स्टाइल हैं बहुत ज़्यादा फॉर दिखते हैं, और ये दोनों हेयर स्टाइल काफ़ी मस्कुलिन दिखते हैं। स्लिक बैक की बात करो तो यार स्लिक बैक में आपकी जितने भी जो हेयर है वो सारे पीछे की साइड शिफ्ट होते हैं और वो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और किसी भी लड़की को ना जो स्लिक बैक है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर आप रखते हो ना तो यार उसमें आपको जो लुक है ना थोड़ा मोड़ा फेमिनिन लग सकता है, और हो सकता है कि बहुत से जो लड़कियों ना उनको पसंद ना आए, बट यार यहाँ पर अगर आप लॉन्ग हेयर रख के स्लिक बैक ट्राई कर दो ना तो यार मतलब कसम से जो लड़कियां वो दीवानी हो जाने वाली है, और ये आपके ऊपर काफी फॉल लगने वाला है, और पर्सनली बताऊं तो मुझको ये काफी अच्छा लगता है, और अगर आप इसकी फुल ट्यूटोरियल चाहते हो तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, चैनल पर ही है। नंबर फोर्थ, कर्ली हेयर स्टाइल। अगर जिन बंदों के मतलब नेचुरली कर्ली हेयर है ना ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी लकी हो, मतलब कर्ली जो बाल है ना वो भी सबके ऊपर अच्छे नहीं लगते, बट जिनके ऊपर अच्छे लगते हैं ना उनके ऊपर लड़कियाँ काफ़ी फिदा रहती हैं, और आई थिंक कि मतलब कुछ टाइम बाद ना भी मैं भी कर्ली हेयर स्टाइल पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, मैं भी अपने बालों को घुंघराले वगैरह करूँगा, थोड़ा नया स्टाइल चेंज करूँगा, क्योंकि मतलब पहले मैंने किया नहीं कभी, तो मतलब मैं ट्राई करूँगा और उसकी जो वीडियो ना वो आपको देखने को मिलेगी, और आई डोंट नो कि वो मेरे ऊपर भी कैसा लगेगा कैसा नहीं, बट हम ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करना हमारा काम है। तो अगर आप कर्ली वगैरह हेयर स्टाइल ट्राई करते हो तो वो भी लड़कियों को काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर आपके ऊपर ये अच्छा लगता है तो आप काफी रॉक करने वाले हो कर्ली हेयर स्टाइल में, और लड़कियां मतलब नसें काट लेंगी प्यार में आपकी, समझ सकते हो। तो अगर आपके ऊपर कर्ली हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छे लगते हैं तो यार आप किस चीज का वेट कर रहे हो, कर्ली हेयर स्टाइल रखो और रॉक करो। नंबर फिफ्थ, कोई हेयर स्टाइल। अब यार इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपके जो साइड से हेयर है ना वो थोड़े मोड़े कट होते हैं, मतलब फेड होते हैं वो, और ऊपर से जो आपके टॉप से जो हेयर है ना वो थोड़े मोड़े बड़े होते हैं, मतलब ताकि उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाए, और ये वाला जो हेयर स्टाइल अगर आप ट्राई करते हो तो यार ये काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, और इसको कभी भी ऐसे स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज वगैरह में जा रहे हो, या फिर ऑफिशियली आप कहीं पर भी जा रहे हो तो इस टाइम पर आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, और प्लस ये लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है,
और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगता है। तो अगर आपने ये वाला हेयर स्टाइल अभी तक ट्राई नहीं किया तो यार कौन से ज़माने में जीरो, इसको अभी ट्राई करो। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, जस्ट प्रोडक्ट लगाया, वैक्स लगाया, बाल खड़े कर लिए, जस्ट यू आर रेडी टू गो। और इससे भी आप काफ़ी रॉक करने वाले हो। तो ये तो कोई 5 हेयर स्टाइल जिसको अगर आप ट्राई करते हो अपने फेस के ऊपर, तो इससे मतलब बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं, लड़कियों के भी, बाकी लोगों के भी, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट में रहोगे जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से बहुत कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। और इन हेयर स्टाइल में से आपको कौन से हेयर स्टाइल बेस्ट लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सबकी कमेंट पढ़ने वाला हूँ ताकि मुझे ही पता चल पाए। तो अगर मुझको पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल के आइकन उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरे से फायदा हो जाएगा। तो बस हमने यूज लिया एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मैं तो जा रहा हूँ अपने बाल बढ़ाने, और उस टाइम पे मतलब मैं ऐसे बड़े बाल रख के गिटार टांग के मैं भी कोठी बंगले वाला लड़का दिखाई दूंगा, लड़कियाँ फंसाऊंगा। पीस आउट।